आज हमारे साथ बुद्धिज्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि बौद्ध धर्म में श्राद्ध का क्या महत्व है। तो सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। जो श्रेय शब्द है, श्रेय शब्द पाली का या बुद्ध के समय का शब्द नहीं है। श्रेय शब्द बनता है आधे शय और रय से, और शय शब्द भी पाली में नहीं है, इसलिए श्रेय भी पाली का शब्द नहीं है। पाली में अगर आप साध देखेंगे या कनागत अनागत है या संघी दाना है, पिंडदान है, पिंडपात है, संगदान है, तो आपको पता चलेगा कि वसावास यानी कि जो भिक्खु हैं वो वर्षा काल में एक साथ रहते हैं, एक निवास में करते हैं, वो आषाढ़ में स्टार्ट होता है और आषाढ़ की पूर्णमासी के बाद जब पूर्णमासी आती है सावन वाली और फिर भद्र वाली आती है, तो भद्र पूर्णमासी के बाद में ये समय स्टार्ट होता है और अश्विन पूर्णमासी आने वाली है, तो 3 महीने लगभग वसावास में पूरे होने वाले हैं। 2 महीने हो चुके हैं और दो महीने के बाद लगभग 61 से लेके और 75वें दिन तक के बीच में ये आता है। तो यहाँ चूँकि बारिश जा चुकी होती है और लोग अपने काम पर जाते हैं, तो एक नियम बना कि जो भिक्खु हैं वसावास में जो रहते हैं जगह जगह बौद्ध विहारों में, उनको भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। और उस समय जो व्यक्ति है, परिवार है, वो अपने जो माता और पिता हैं उनको अपनी खुशहाली के लिए याद करता है और जो उसने काम उनसे सीखा है उनको याद करता है। तो नियम ये था कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए एक परिवार जिस दिन उसके सबसे ज़्यादा परिवार के क्लोज बंदे की डेथ हुई है, यानी पास वाले बंदे की डेथ हुई है, तो वो दिन एक फिक्स होता है, जैसे एकादशी है या द्वादश है या पूर्णमासी है या अमावस है या अष्टमी है या नवमी है, ऐसे करके। तो वो उस दिन को याद करते हुए साधना में बैठता है, साध करता है और वो महाउपोषत करता है या उपोषत करता है। और उपोषत के लिए, महाउपोषत के लिए वो भिक्षु के पास जाता है, भिक्षु उसको सील देते हैं। सील देने के बाद में वो अपना चाहे तो अपना सर भी मुंडा ले, क्योंकि साधना में सर मुंडाना भिक्षुओं का एक श्रामणेर का एक पारंपरिक कार्य होता है। फिर उसके बाद जब वो अपना उपोषत पूरा कर लेता है, तो वो भिक्षुओं को संगदान यानी संघी दाना या पिंडपात कराता है। पिंडपात का मतलब क्या है? पाली के समय में पिंड बोलते थे जो सबसे बेहतरीन खाना होता था, शहद दूध और चावल मिला के, क्योंकि मीठे के लिए वहाँ शहद मिलाते थे और दूध होता था और चावल, इसको हम पिंड बोलते थे और पिंड आहार को भी बोलते हैं पाली में। तो पिंड दान कराना या पिंडपात कराना या पिंड चारिका, तो वो चावल जो इकट्ठे होते थे शहद और दूध के, उसके गुच्छे को पिंडी बोलते थे, आज भी बहुत जगह पिंडी बोलते हैं। तो पिंडी जो होती थी यानी पिंडपात और पिंडदान जो होता था वो भोजन और आहार दान होता था उस समय का। ये एक नियम बना कि सभी अपने माता पिता को याद करेंगे, उनके अच्छे कामों को याद करेंगे, साधना करेंगे, साध करेंगे और साध के फिर भोजन दान कराएंगे, भिक्खु दान दान कराएंगे। और ये परंपरा लगातार चलती रही। इससे जो वसावास के लिए भिक्खु इकट्ठे होते थे उनके लिए भोजन की उपलब्धता क्रमशः होती रहती थी, 1 by 1, 1 day by 1, 1 day 15 दिन तक के लिए, और सब लोग अपने याद करते थे और व्यवस्था चलती रहती थी और जनजीवन भी साधारण चलता रहता था, क्योंकि आने वाला समय है। तो इसको अनागत भी बोलते हैं, बाद में ये शब्द कनागत पड़ गया। अनागत का मतलब है अनागत, जो गति अभी आई नहीं है, यानी फ्यूचर का समय जो अच्छा आने वाला है, तो इसको अच्छा आने वाला समय भी बोलते थे, तो इसको अनागत के नाम से बोलते थे। तो साध शब्द और पिंडदान या संगीदाना या संगदान या पिंडपात उस समय के ये सारे शब्द हैं जब ये प्रक्रिया होती थी और ये लगभग 15 दिन तक ये चलती थी। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए अधिकतर लोग कई बार ऐसी जगह भी जाते थे भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा भिक्खु संघ रहते थे और जहाँ सबसे ज़्यादा वसावास में भिक्खु अध्ययनशील होते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे। तो ऐसी जगह भारत में बहुत इंपॉर्टेंट थी और लगभग 7 जगह ऐसी थी। सबसे पहली जगह थी जहाँ बोधि आगत हुई, यानी बोधि का आगमन हुआ, बोधि आगत, जिसको बाद में बौद्ध गया बोला गया। बोधि आगत का मतलब है जहाँ बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, उस जगह को कहते हैं बोधि आई, बोधि आगत, तो बौद्ध गया हो गया। तो बौद्ध गया में जो रिवर है, रिवर के साथ में, क्योंकि वो रिवर क्या है, लगभग मैदान है और बरसात के दिनों में वहाँ पानी खूब आता है, बाकी वो चलती रहती थी, बड़ा कम सा पानी वहाँ होता है। तो जो निरंजना रिवर है उसके किनारे पर बैठ के अधिकतर पिंडपात के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ भिक्खुओं के बहुत बड़े बड़े संघ होते हैं और उनको खाने की आवश्यकता होती है।
तो उनका वहाँ मन भी लगता है और वहाँ साधना भी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ धम्म में बुद्ध ने वहाँ बोधि प्राप्त की, तो इसलिए पहले स्थान पर उस स्थान पर सबसे ज़्यादा लोग पिंडपात के लिए लिए जाते हैं। पिंडपात का मतलब है भोजन देने के लिए, आहार देने के लिए, भिक्खुओं के लिए, टीचर्स के लिए, जो वहाँ टीचर्स हैं। दूसरी जगह इसको काशी या बनारस बोलते हैं, काशी बनारस या वाराणसी, क्योंकि वहाँ भगवान ने सबसे पहले शिक्षा दी, शिक्षा उपलब्ध कराई और पहला संघ वहीं बना जिसको साठा बोलते हैं। तो उसके लिए वहाँ अधिकतर भिक्षु संघ होते हैं और उनके लिए खाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ लोग वहाँ जाके अपना पिंडपात यानी भोजन दे देते थे अपने माता पिता की याद में, विपश्यना करने के बाद, साधना करने के बाद, साध करने के बाद। तीसरे नंबर पर आता है इसको बुद्धनाथ। बुद्धनाथ वो जगह है जो आप जानते हैं जैसे अत्ता ही अतनो नाथो। तो अत्ता ही अतनो नाथो मतलब आप अपने स्वामी आप हैं, आप अपने नाथ आप हैं। तो ऐसी जगह बुद्धनाथ है। बुद्धनाथ को बाद में बद्रीनाथ करके बोला गया। वहाँ लोग पिंडपात के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ भिक्षु बहुत ज़्यादा रहते थे, वो एकांत में विपश्यना करने के लिए, साधना करने के लिए, साध के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी। फिर आता है संगम इलाहाबाद, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा का मतलब है प्रज्ञान, यानी संघ का जहाँ सबसे ज़्यादा आगमन होता है और वहाँ प्रज्ञा का गमन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको प्रयागराज बोलते हैं, यानी प्रज्ञा का राज। तो यहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा भिक्षु रहते थे, इसलिए वहाँ खाने की आवश्यकता होने की वजह से लोग वहाँ भी जाते थे। फिर आता है थनेसर। थनेसर जो आज का कुरुक्षेत्र है, थेराओं का शहर, यानी थनेसिर, इतने सिर थेराओं के कि वहाँ थेरा ही थेरा होते थे और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी कुरु प्रदेश की, इसलिए वहाँ लोग जाते थे। वहाँ जाके सबसे ज़्यादा पिंडपात करते थे, यानी सबसे ज़्यादा आहार का दान करते थे, संगीतान करते थे। फिर आती है छठे नंबर पे मथुरा, यानी महाथेरा, जहाँ बड़े भिक्षु रहा करते थे। महा मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे भिक्षु, ज़्यादा पुराने भिक्षु रहते थे, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा दान की आवश्यकता पड़ती थी। वो नगरी ऐसी थी कि वहाँ भिक्षु रहते थे, तो वहाँ भी लोग खाना देने के लिए जाते थे। और आखिर आता था जिसको बोलते हैं जग का नाथ, यानी जो संसार है उसका नाथ, जगन्नाथ करके जिसको पुरी बोलते हैं, जहाँ पूरी की पूरी साधना होती है, तो जगन्नाथ यानी पुरी। तो ये सात स्पेशल स्थान हैं भारत के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा भिक्खु रहते थे और सबसे ज़्यादा जहाँ पिंडपात या जो सबसे ज़्यादा भोजनदान या संगीदान या संगदान ऐसे करके वहाँ दिया जाता था और अनागत यानी अच्छा समय आने वाला होता था। तो ये सारा का सारा जो उपोषित है यानी कि जो पिंडदान है, ये खाली इसी 15 दिन के लिए नहीं है। इसका नियम खाली 15 दिन के लिए नहीं है कि आप साधना सिर्फ साल में 15 दिन करेंगे, क्योंकि जो 8 अष्टमी है और 8 अष्टमी इधर आती हैं, तो 12-12-24 आपकी अष्टमी हो जाती हैं, जो शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा आगे बढ़ता है उस समय, और काले पक्ष का मतलब है कि जब चंद्रमा काला होता चला जाता है उसमें, तो काला पक्ष है या चमकीला पक्ष है उसमें जो 8वां दिन होता है वहाँ भी उपोषित करते हैं। 12 की 12 जो पूर्णमासी हैं उनमें भी उपोषित का करते हैं, और जो हमारी 12 अमावस्या आती हैं उनमें भी उपोषित करते हैं, और 15 दिन हमारे स्पेशल ये वाले साधना के हैं जो हमारे पिंडपात के दिन हैं इसमें हम करते हैं। तो ऐसे करके ये पूरी एक सीरीज है जिसमें हम साधना करते हैं और पिंडपात करते हैं और भोजन दान करते हैं, और समय समय पर लोग अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें कोई खास मौके पर तब भी पिंडपात करते हैं। तो ये पिंडपात की जो बात है, क्योंकि पिंडपात करते समय जब आप साधना करेंगे तो आपको अपने बाल कटाने पड़ेंगे और वहाँ आप सफ़ेद वस्त्र पहन के और भोजन का दान करेंगे, तो वो परंपरा आज भी बड़ी अच्छी तरह से चली आ रही है। और लोग ये तो भूल गए कि ये भिक्खुओं के लिए खाना पहुँचाने की परंपरा थी या साधना करने की थी, क्योंकि भिक्खु भारत से चले गए मगर दान करने की परंपरा नहीं गई, उसका नाम बदल दिया गया, साध की जगह कुछ और नाम हो गया जो कभी शब्द था ही नहीं। और आज भी लोग बड़े मन से दान करते हैं मगर साधना नहीं करते, जानते नहीं हैं कि वो दान किसने कर रहे हैं, क्योंकि बाद में मान्यताएँ बदल गईं, चीज़ें बदल गईं। बुद्ध के समय में ये बिल्कुल ऐसी कोई दान की, भोजन दान की जो थी, क्योंकि बुद्ध ने इसको पैदा किया, पिंडपात, पिंडचारिका, पिंडदान और ये सब होता था। और आज की डेट में हम इसको साध बोलेंगे, कनागत बोलेंगे, पिंडपात बोलेंगे, पिंडदान बोलेंगे, संगीदान बोलेंगे या